लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हाशिए पर जनतंत्र और मित्र सैन मीत का कथा संसार विषय पर संवाद रचाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री राम शरण जोशी ने की और की नोट विनोद शाही जी ने रखा। हमारे बीच एक और बहुत ही बड़े प्रबुद्ध चिंतक हेतु भारद्वाज मौजूद हैं, एक बहुत ही जबरदस्त संस्कृति कर्मी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने चिंतन से पूरे देश को खंगाला है, हमारी सोच के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं, मैं समझता हूं कि वो आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। हेतु भारद्वाज, यहां आने का लोभ यही था कि कुछ प्रबुद्ध लोगों से मिलना होगा और शाही जी आप जानते हैं कि देश के प्रसिद्ध प्रबुद्ध लोगों में से, और उन्होंने जो यहाँ अपना बीज वक्तव्य दिया उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा क्षितिज हमारे सामने खोल दिया कि मित्र सेन मीत के उपन्यासों के बहाने से हम किस किन समस्याओं पर किसके दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। वो सारे सवाल जो उन्होंने उठाए वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं परेशान करते, लेकिन इन सवालों को मित्र सैन मीत ने अपने उपन्यासों के द्वारा पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो इसमें नया क्या है। यहीं से मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और वो सवाल ये है, और ये मित्र सैन मीत से पूछा जाना चाहिए कि आप लिखते क्यों, क्या जरूरत पड़ी है आपको लिखने की। ये काम सोशल एक्टिविस्ट कर देंगे, नारे लगाने वाले कर देंगे, जो हमारे यहां संगठन काम कर रहे हैं वो कर देंगे, फिर आपको ये इतने मोटे उपन्यास लिखने की जरूरत क्या है। और वो भी उस सूरत में कि आप जिस तंत्र के अंग हैं उस तंत्र के खिलाफ आप अपना रचनाक्रम कर रहे हैं, इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लिखना अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है। और जिस तंत्र में हम हैं, जिस तंत्र के हम अंग हैं, उसके खिलाफ लिखना तो और भी कठिन काम है। कठिन ही नहीं है और इसकी भी, और मुझे तो कई बार, क्योंकि मैं भी सरकारी नौकरी में जिंदगी गुजारी है, मैं जानता हूं कि सरकारी दबाव कितने होते हैं। यदि भी हमारी नौकरी तो बड़ी सुरक्षित थी, मास्टरों से कोई डरता भी नहीं है, लड़के भी नहीं डरते, अब तो लड़के लड़कियां भी नहीं डरते, कोई डरता भी नहीं है, लेकिन मित्र से मीत तो जिस पद पर है उससे तो समाज भी डर सकता है, उससे नागरिक भी डर सकते हैं और उससे उनका तंत्र भी डर सकता है। तो यही ये सवाल पैदा होता है कि मित्र से मीत लिखते क्यों। ऐसा तो है नहीं कि वो मित्र सैन मीत इस देश में अकेले इस पद पर कार्यरत हैं, हर प्रांत में हर बड़ी जगहों पर उनके पद के बराबर के लोग हैं, लेकिन सब तो नहीं दिख रहे। तो ये लेखक से ये सवाल, बुनियादी सवाल किया जाता है, भाई आप लिखते क्यों हैं, ये लिखने से आपको क्या फर्क पड़ जाएगा और लिखने से आप कौन सा समाज बदल देंगे, लिखने से आप कौन सी क्रांति कर देंगे। इसके सब लोगों ने उत्तर अपने अपने तरीके से दिए हैं, पहले इससे हर लेखक टकराता रहा है इस सवाल से। बच्चन ने यह कहा कि जो छिपाना जानता तो जब मुझे साधु समझता, कि मैंने तो साधु नहीं बना, कोई पाखंड मैंने नहीं किया। अंचल जी ने कहा कि छिपाने को छिपा जाता विकल चीतकार में सारा, मगर अभिव्यक्त की मानव सुलभ तृष्णा नहीं। ये हमारे अंदर है, अभिव्यक्त की मानव सुलभ तृष्णा, वो हमको परेशान करती। हम कहीं भी हो,
कैसे भी हो, वो हमको परेशान करती है और वो हमको बाध्य करती है कि तुम लिखो। और क्या लिखो मित्र? से मीत न्याय व्यवस्था में है, वकील भी एक सच्चाई की तलाश करता है, लेकिन जिस सच्चाई की तलाश एक साहित्यकार को होती है, एक रचनाकार को होती है, एक लेखक को होती है, वो सच्चाई जीवन की सच्चाई से भी बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं एक बहुत संक्षेप से एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप लोगों ने संभवतः पढ़ा हो, एक हमारे यहाँ मध्यकाल का एक काव्य है, नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र। वो बड़ा सामान्य काव्य है लेकिन बहुत अद्भुत काव्य। वहां एक पंक्ति आती है जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, तो कृष्ण ने सुदामा की हालत देख करके और वो विगलित होती है। वहां कवि ने वर्णन किया, लाए उन्होंने राजगद्दी पर बैठाया और वो पश्चाताप कर रहे हैं, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन खोए। और वो कहां स्थिति आती है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निद्रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पर। ये अंतिम पंक्ति की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि कोई व्यक्ति अपने आंसुओं से किसी के पैरों को धो दे, कितना रोएगा? हम रो करके देखें और उंगली धो करके देखें, लेकिन ऐसा तो कोई होगा ही, इतना रोएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण जी क्योंकि अवतार थे, पूर्ण अवतार थे, तो उनकी आंखों में कोई ज्यादा सेक्रेशन हुआ होगा आंसुओं का, कोई 2 इंच का पाइप लगा होगा तो उतने ही बड़े फिर सुदामा के पैर भी होंगे, उतनी दिवाइयां बड़ी होंगी, उतने ही कंटक जाल बड़े होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? लेकिन आज तक किसी ने इस पर संदेह नहीं किया और हमें यह लगता है हम स्वयं विगलित होने लगते हैं। इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हम स्वयं विगलित होने लगते हैं कि भाई देखिए कृष्ण सुदामा की हालत देख करके रो रहे हैं। वहां मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है, ऊंचे बड़े का जो रिश्ता है, जो छोटे बड़े का रिश्ता है, जो गरीब अमीर का रिश्ता है, वो समाप्त है। और एक बराबरी मैत्री, एक मित्र इतना विगलित हो सकता है अपने मित्र को देखकर, हमारे मन में जैसे एक नया संस्कार पैदा होता, एक नई दुनिया हमारे मन में पैदा होती। ये झूठ था, एक झूठ को कितने बड़े सच में तब्दील किया देखा कि वो जिंदगी का सच बन गया। इसलिए जो लेखक लिखता है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखता, अपने को अभ्यक्त करने के लिए नहीं लिखता। तुलसी ने भी कहा स्वांत है सुखाए तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए लिखा मैंने। लेकिन क्या कारण रहा कि रामचरितमानस आज भी हमारे जीवन में इतना अधिक लोकप्रिय है? उसके मैं उसमें नहीं जाऊंगा विवाद में, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आदमी को ताकत तो दे रहा है, शक्ति तो दे रहा है, जीने की एक लालसा तो दे रहा है। ऐसा में है तो ये साहित्यिक ताकत होती है, ये जिंदगी के सच से भी बड़ा सच होता है। और ये सच केवल जिंदगी के लिए ही होता है, किसी और के लिए नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस सच का निर्माण, इस सच की दुनिया को लेखक बनाता है। तो मित्र सैन मीत जिस दुनिया में रहते हैं, जिस दुनिया को जीते हैं, जिस दुनिया का अनुभव करते हैं, उसकी सारी असंगतियों को अपने मन में और उन असंगतियों को महसूस करके जो कुछ उसमें से मनुष्य के हक में निकलना चाहिए वो अभिव्यक्त करते हैं। वो उपन्यासों का उनके का एक तरीके से मूल स्वर है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार वो न्याय व्यवस्था पर या पुलिस प्रणाली पर लिख रहे हैं। पुलिस प्रणाली पर तो हमारी फिल्मों ने ही काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं और उसकी धज्जी बखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर भी बहुत सारे उपन्यास, जैसे बंगला के उपन्यास शंकर का एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, वो तो अजाना रे,
जिसका हिंदी अनुवाद भी उस बाइबल में अनजाने नाम से न्याय व्यवस्था का बहुत मार्मिक उपन्यास, लेकिन उस उपन्यास में जो लेखक का स्वर है वो थोड़ा बहुत भावुकतावादी हो जाता है और उसमें ये दिखाया कि वकील और उसका मुवक्किल कहीं गलत मुद्दे पर भी इतने एकमेक हो जाते हैं कि वो सही और गलत के विवेक को छोड़ दें। वकील तो अपने व्यवसाय के लिए भी सही मुद्दे को गलत में परिणत कर लेता है, लेकिन लेखक के लिए ये समझ नहीं। और मीत साहब के सामने शायद यही चुनौती रही होगी कि मैं अपने उपन्यासों से जिस व्यवस्था में मैं जी रहा हूं, जिस व्यवस्था में मैं काम कर रहा हूं, उस व्यवस्था में जो कुछ मनुष्य विरोधी है उस पर मैं उंगली रखूं, उसको मैं सामने लाऊं। हमारे यहां आपने कहानियां पढ़ी होंगी बहुत सारी, जैसे विष्णु प्रभाकर की एक कहानी बहुत विवादास्पद रही, धरती अब भी घूम रही है, वो भी न्याय व्यवस्था पर है। मोहन राकेश की कहानी पढ़ी होगी परमात्मा का कुत्ता, वो भी बड़े अध्यात्मिक ढंग से न्याय व्यवस्था पर पूरी प्रहार करती है। मनु भंडारी की एक सजा कहानी है जिसमें वो उसका परिणति यह है कि जब व्यक्ति को न्याय मिलता है तब तक वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारी न्याय व्यवस्था जब न्याय मिलता है तब तक वो बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है। प्रदेश का एक उपन्यास है सफेद घोड़ा काला सवार, वो भी पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था पर एक न्याय की उपन्यास भी है। लेकिन जो मीत साहब ने अपने इन उपन्यासों में जो व्यवस्था का रूप लिया है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी ये व्यवस्था के पक्षधर नहीं बने। जब लेखक किसी व्यवस्था का पक्षधर बन जाए तो उसके निष्कर्ष गड़बड़ाने लगे और वो लगता है कि वो भी एक पार्टी हो गया, और पार्टी किसी उसका हो जाना कम से कम लेखक के लिए ये नुकसानदेह होता है। तो मीत साहब ने बहुत निर्विकार भाव से उस व्यवस्था को इंगित किया और उन्होंने ये बताया है कि देखिए ये जो व्यवस्था है इसका इसके ये सुराग और इन सुराखों से किस प्रकार अंधकार आम आदमी की जिंदगी पर फेंका जा रहा है। अभी शाही जी बात कर रहे थे उस दैवी मनुष्य की और उसकी, देखिए कुछ संस्कार हमारे ऐसे हैं कि जिनसे शायद हम निजात नहीं पा सकते, लेकिन उनमें कुछ ऐसी नैतिक चीजें भी हैं कि जो हमको कहीं ना कहीं बांधे रहे। जैसे उन्होंने कहा कि ईश्वर पीछे है, ईश्वर ने दे ही दिया, यदा यदाई धर्मस्ते ग्लानि भवति, मेरी जरूरत आपको पड़ेगी, मेरे बिना आपका निस्तार नहीं, ये हमने मान लिया। लेकिन साथ साथ हमने ये भी मान लिया कि अगर कहीं अच्छा है, कहीं मनुष्य के हक में कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, तो हम उसको भी उन्हीं नैतिक आंखों से देखते हैं जिस नैतिक आंखों से कि हम ईश्वर देखते हैं। इसलिए इन जो हमारी मिटकीय चीजें, उन मिटकीय चीजों से भी कहीं ना कहीं हमारे मन में एक नैतिकी बनी रहती है और वो कहीं ना कहीं इनको ताकत देती है। ये होता है कि मीत साहब के उपन्यास में एक जज जो अपनी परिस्थितियों के कारण ईमानदारी धारण कर लेता है, लोग उससे कतराने लगते हैं, लोग उससे बचने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उससे तो न्याय होगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी से न्याय करेगा तो हम मारे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सदा ऐसा होता रहेगा? हमको उम्मीद करनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी कारण क्या है हमारे सारी व्यवस्था में कि चाहे पुलिस है, चाहे न्याय व्यवस्था है, चाहे जेल का जो भी हमारे पास नियम है, जो भी कानून है, वो सब हमको गुलामी से विरासत में मिले। आप जरा देखें कि सन 1933 का कानून आज भी लागू है, वो कानून किसने बनाया है? जब आप ये कहते हैं कि ये सत्ता हमारा दमन कर रही है तो हमने कानून वही ले लिए हैं जिन कानूनों को हमारा दमन करने के लिए बनाया गया। सबसे बड़ी बात, हमने जो संविधान नामक अपना एक ग्रंथ लिया वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं किसी दूसरे की नकल है, कहीं ना कहीं दूसरे की नकल है। गांधी जी अगर ये कहते हैं कि हम स्वदेशी का आंदोलन चलाइए, अपनी चीजों के ऊपर भरोसा कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं ये भी करते हैं, ये कह रहे होते हैं कि आप जितनी नकल करेंगे, जितने दूसरों पर आश्रित रहेंगे, उतने और ज्यादा गुलाम होते चले जाएंगे।
और ये प्रक्रिया आपकी जारी है, ये प्रक्रिया आपकी जारी है, चाहे वो पुलिस का मैनुअल है, चाहे वो न्याय व्यवस्था का मैनुअल है, चाहे वो जेल का मैनुअल है, सारे के सारे मैनुअल्स हमें स्वतंत्रता से पहले ही प्राप्त हो चुके थे, क्यों इनको बदलने का प्रयास हमारे लोकतंत्र ने नहीं किया? क्यों हमारे लोगों में यह आवाज नहीं आई कि हमें ये सब चीजें बदलनी चाहिए, हमें इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, जो हमें गुलामी से विरासत में मिले हैं उनको हमें बदलना चाहिए। देखिए क्या कितना बड़ा बंद है। एक विनोद का उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, खरीदी गोरियों के बोल, जो जिसमें वो स्वतंत्रता आंदोलन वो करते हैं, वर्णन करते हैं, तो वहां एक पात्र है, जब वो पात्र अपने घर जाता है तो उसका पिता कहता है बेटा देख ये छप्पर क्यों रहा है, कुछ इसको व्यवस्था करो, हम बच तो जाएं। वो कहता है बस पिताजी थोड़ी सी देर, आजादी मिलने वाली है, आजादी मिली आपको मकान अपने आप बना बना मिल जाएगा। वो फिर निकल जाता है, दोबारा लौटता है, बाप फिर कहता है बेटे तेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़ा इसकी दवाई वगैरह की व्यवस्था करो। वो युवक फिर कहता है कि बस पिताजी थोड़े से रुक जाइए, डॉक्टर स्वयं आकर के माँ को देखेगा, ये हमारे सपने थे। हम आजाद होते ही हमने ये मान, आजाद होते ही हमको सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी, ये हमने हम मानकर चले थे, सपने को मानकर चले थे। लेकिन वो सपना इसीलिए ध्वस्त हुआ कि हमने बहुत सारी चीजें विरासत में उस गुलामी की परंपरा से स्वीकार करनी और अपना कोई रास्ता हमने खोजा। तो ये अगर हम इस लोकतंत्र को ये मानते हैं कि हाशिए पर है, जो कि है, हाशिए पर रहने वाले बहुत सारे लोग थे, जातियां थी, समूह थे, लेकिन आज उन समूहों का कुछ नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं है, नए नए समूह और हाशिए पर खेले जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा संकल्प होना जरूरी है जिससे हम इस व्यवस्था में सेंध लगा सकें। और मीत साहब पाठक का ध्यान इसी ओर आकर्षित करते हैं कि भाई इस व्यवस्था में सेंध कैसे लगाई जा सकती है, इसको कैसे बदला जा सकता है। जब पुलिस का वर्णन करते हैं वो, तो इतने सारे आयाम, व्यक्तिगत स्तर पर अफसरों के झगड़े, छोटे मोटे झगड़े हैं, मुझसे सीनियर है तो इसको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, कर इन छोटी छोटी बातों से लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन की विसंगतियों को इतनी खूबी से रेखांकित किया कि वो पूरा जैसे एक सिस्टम हमारे सामने साकार हो जाता है। और वो हमको ये भी चेताता है कि देखो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको कहीं राहत नहीं दे रहा, आपका शोषण कर रहा है, आप में असमानता फैला रहा है, आप में गैर बराबरी फैला रहा है और आपको अपनों से दूर कर रहा है। ये जो है चक, शाही जी अंग्रेजी की बात कर रहे थे कि अंग्रेजी से हम आज तक मुक्त नहीं हो सके, शायद मुक्त होंगे भी, उस तरह के हालात भी हमारे लिए, क्योंकि हमारे संकल्पों में खोट है। जिस समय संविधान में ये व्यवस्था की गई कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी, ये देवनागरी लिपि की जाएगी, लेकिन उसके नीचे लिख दिया लेकिन 10 साल तक अंग्रेजी काम, अब 10 साल कभी खत्म नहीं होंगे, आप विश्वास करें कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों धारा इस तरह डाल दी? फिर उसमें राजनीतिक पेच बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वरना आज हम बात कर रहे थे कि इस सारी दुविधा के बावजूद हिंदी का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट इरफान हबीब हो, चाहे विपिन चंद्र हो, चाहे और बड़े बड़े लोग, वो ये महसूस करते हैं कि जब से हमारी किताबें हिंदी में आई हैं हमारा बहुत ज्यादा बचा। उनको ये लगा है कि हम आम आदमी तक पहुंचे हैं, हिंदी की ताकत तो अभी ये है। और ये बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं जिन्होंने भी अनुवाद किया इसका, कि अगर ये पंजाबी में होते, पंजाबी में ही रहता कि उपन्यास, तो संभवतः केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाता। इसका इनका हिंदी में अनुवाद हुआ और हिंदी में ये आए तो एक बृहत्तर समुदाय से इन उपन्यासों का साबका पड़ेगा और एक बड़ा समुदाय इन उपन्यासों से लाभान्वित। तो इस प्रकार से ये उपन्यास, मैं तो कहता हूं व्यवस्था हो इनको अंग्रेजी में अनुवाद कराए, व्यवस्था हो तो और
जो हमारी प्रांतीय भाषा है उनमें अनुवाद करा है, और अगर सामर्थ्य है तो इस काम को करा लीजिए योजनाबद्ध तरीके से करा लीजिए, ताकि लोगों को लगे कि पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा अफसर इस सिस्टम की विभिन्न सीढ़ियों के बारे में, जुडिशियरी के बारे में, पुलिस के बारे में, और जिसको सुधार गृह कहते हैं, कारागार है उसमें जिन लोगों को सुधारने की चेष्टा की जाती है, उन्हीं में किस प्रकार से और हम ऐसी कोशिश करते हैं वो सुधरी नहीं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इनमें हमें ये सोचने के लिए बात ही किया जाता है, लेकिन साहित्यकार खुद एक एक्टिविस्ट ही होता है, वो अपने लेखन में एक्टिविस्ट होता है, लेकिन उसकी जो बात है, जो शब्दों की जो बात है, उसकी अनुगूंज बहुत बड़ी होती है। मैंने आरंभ में आपको जो उदाहरण दिया था नरोत्तम दास की पंक्ति का, वो शब्दों की अनुगूंज है और उसकी बड़ी ताकत होती है। हमारे यहां अगर उसको शब्द को ब्रह्म कहा गया तो वो सामान्य बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, शब्द पता नहीं क्या क्रांति कर सकता है। तो इसके लिए अगर ये उपन्यास बार बार पढ़े जाते हैं, बार बार इनका दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता है, तो ये हमें बहुत दूर तक प्रभावित कर सकते हैं, एक राह दिखा सकते हैं। साहित्यकार का काम कोई एजेंडा तय करना नहीं, वो कोई आपको मैंडेट नहीं दे सकता, वो मैंडेट नहीं देता, बल्कि वो तो जहां दुखती रग है उस पर हाथ रखता है। अब आप महसूस कीजिए, वो महसूस कराता है, और जब कोई चीज को हम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से हम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, हम अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। तो मित्र सैन मीत ने यही काम किया है, और इसके द्वारा उन्होंने इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को यह बताया है कि देखिए तकलीफें यहां यहां हैं, और इन तकलीफों को आप पहले महसूस कीजिए। चाहिए बोलेगा कि हमें रास्ता खोजना चाहिए, मैं कहता हूं रास्ता निकलेगा, लेकिन पहले हमको महसूस तो करना चाहिए। हम केवल अपनी मैं अपना दर्द महसूस करता हूं, लेकिन जब मैं दूसरों अधिकाधिक पढ़ें, इन पर बहुत ज्यादा सोचें, गोष्ठियां कराएं, हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कितने लोग आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब जब कोई अच्छा काम होगा, जब जब कोई मनुष्य के पक्ष में हाथ उठेगा, तो उसका सहयोग करने वाले अपने आप आगे आ जाएंगे। तो आप लोग मीत साहब ने जो उपन्यास लिखे हैं उनके द्वारा जो समाज का दर्द है, जो व्यवस्था से उत्पन्न होने वाला दर्द है, उसको महसूस करें, और महसूस करके हम अपने आप कहीं ना कहीं परिवर्तन की कोई ना कोई दिशा तो हम खोज लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।